जामुल थाना पुलिस ने 32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड निवासी एक 6 वर्षीय मासूम बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का प्रयास कर रहे आरोपी हाउसिंग बोर्ड निवासी युवक रोनी सिंह उर्फ रोनी नेपाली को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी इलेक्ट्रीशियन का काम करने वाले युवक रोनी सिंह उर्फ रोनी नेपाली को जामुल थाना पुलिस ने अप्राकृतिक कृत्य करने का प्रयास करने के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी रोनी सिंह हाउसिंग बोर्ड 32 एकड़ में एक घर में कूलर ठीक करने गया हुआ था, जहां घर मालकिन को कूलर का सामान खरीदने दुकान भेज दिया। इस दौरान घर में मौजूद एक 6 वर्षीय मासूम बालक को देखकर आरोपी की नीयत डोल गई और उसने बालक से अप्राकृतिक कृत्य करने की कोशिश की। बालक के चिल्लाने पर परिजन तत्काल वापस लौटे, जिन्हें देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया। इस पूरे मामले की जानकारी CSP छावनी कौशलेन देव पटेल ने दी। ये दिनांक 16/4/22 की घटना है, जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी एरिया में हुआ था, जिसमें जामुल थाना के द्वारा 377 और 511 के तहत अपराध और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें अभी वर्तमान में एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है, रोमी सिंह उर्फ अमन की, जिसके द्वारा एक बच्चे के साथ में 377 का अपराध करने का प्रयास किया। तर किस तरह की घटना है, उसमें आरोपी की गिरफ्तारी वगैरह होगी कैसे? आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी बेसिकली एक कूलर मैकेनिक है, जो कि प्रार्थिया के घर में कूलर बनाने के नाम से गया हुआ था और मौके को देखकर बच्चे के साथ में इस तरह के कृत्य करने का प्रयास किया। बहरहाल इस घटना को देखते हुए बच्चों को घर में अकेले छोड़कर जाने वालों को सबक लिए जाने की जरूरत है। इस प्रकार के रोनी शहर में मौकों की तलाश में घूम रहे हैं। छोटी सी लापरवाही जिंदगी भर का जख्म दे सकती है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।